हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रुतबा खान किचन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी छल्ले भुट्टे की रेसिपी। तो यहाँ हमने ले लिए हैं दो भुट्टे और इसको हम छिलका निकाल देंगे। तो यहाँ हमने छिलका निकाल दिया है भुट्टों का और इसके चार पीसेस कर लेंगे, दो दो पीसेस। और ये दिल्ली का एकदम मशहूर भुट्टा है, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है और इस बारिश के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और वैसे भी भुट्टे तो सभी के फेवरेट होते हैं, तो इस बारिश के मौसम में एक बार इसे बनाकर ज़रूर खाएं और इस तरीके से बनाकर खाएं। तो यहाँ हमने चार पीसेस कर लिए। अब ले लेंगे हम एक कुकर और इसमें डालेंगे पानी। पानी हमें इतना डालना है कि भुट्टे के ऊपर आ जाए। तो यहाँ हमने ले लिया है लगभग डेढ़ गिलास पानी लिया है। और अब इसका ढक्कन लगाकर हम इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो लगभग 10 मिनट हमें बॉईल करना है भुट्टे को। और यहाँ नमक डालना भूल गई थी, तो यहाँ नमक डाल रही हूँ मैं इसका ढक्कन खोलकर, और फिर से इसे कवर कर रख देंगे। तो यहाँ मसाले ले लेंगे कुछ। चिली फ्लेक्स ले लिया है हमने थोड़ा सा, और थोड़ा नमक, चाट मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नींबू ले लिया है और बटर। बटर के साथ तो इसका मज़ा दोगुना हो जाता है भुट्टे का। तो यहाँ भुट्टे बॉईल हो चुके हैं, लगभग 10 मिनट हो गए हैं। और मैं निकाल कर दिखाती हूँ इसे आपको। तो ये देखिए कैसे पता लगे कि हमारे भुट्टे बॉईल हो गए हैं। तो हम इस तरह से दबा कर देखेंगे, तो ये देखिए दाना आसानी से टूट रहा है। तो यहाँ इसका मतलब भुट्टा बॉईल हो गया है। अब सभी भुट्टों को हम बाहर निकाल लेंगे एक प्लेट में। और ये देखिए कितना बढ़िया बॉईल हुआ है भुट्टा। अब हम इस पर कुछ मसाले लगा लेंगे, भुट्टा हल्का सा ठंडा कर लें उसके बाद इस पर मसाले लगा लें। वैसे तो भुट्टा गरम गरम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मसालों को हमने यहाँ मिक्स कर लिया है। और बटर ले लेंगे हम, पहले बटर लगा लेंगे हम भुट्टे पर। भुट्टा हमारा अभी गर्म है थोड़ा, तो इस पर हम बटर लगा लेंगे, आसानी से मेल्ट हो जाएगा। आप चाहें तो बिना बटर के भी इसे सिर्फ मसाले के साथ खा सकते हैं। और बटर वाला भुट्टा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, आपने खाए भी होंगे इस तरह के भुट्टे। सभी भुट्टों पर हम बटर लगा लेंगे। और अब हम इस पर मसाला लगा लेंगे। आई एम श्योर आपको ये वीडियो देखकर आपके मुंह में ज़रूर पानी आ रहा होगा। अगर आपका भी खाने का मन कर रहा है तो ज़रूर अपने घर पर बनाएं। तो ये देखिए हमने सभी भुट्टों को तैयार कर लिया है मसाला और बटर लगाकर। तो कितना यम्मी और टेस्टी भुट्टा बनकर तैयार हुआ है और कितनी आसानी से भी हमने भुट्टे को बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप भी इसी तरह बनाएं और इसी प्रोसेस से बनाएं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी? रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।